ग्रहण करके उन्हें नर्व इम्पल्सेस के रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर संचारित करना होता है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो हैं इनमें अनेक प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये संवेदी अंग जो हैं ये तीन श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, जिन्हें मैकेनोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर कहते हैं। मैकेनोरिसेप्टर या स्पर्श ग्राही जो होते हैं उसमें स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन और स्टेटोसिस्ट ऑफ पाइला एंड यूनियो। कीमोरिसेप्टर ऑर्गन वे हैं जो किसी रसायन के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसमें ऑस्फिरिडियम ऑफ पाइला और ऑस्फिरिडियम ऑफ यूनियो के बारे में पढ़ना है। फोटोरिसेप्टर जो है उनमें कंपाउंड आइज ऑफ प्रॉन और सिंपल आइज ऑफ नीरिज, इसके बारे में हमें पढ़ना है। संवेदना के आधार पर ये जो तीनों तरह के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये टेस्ट रिसेप्टर, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर या रियो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर नामों से भी जाने जाते हैं। जो पैरासाइट जंतु होते हैं इनमें इनका विकास बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जो फ्री लिविंग एनिमल होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है मैकेनोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और फोटोरिसेप्टर। फर्स्ट है स्टेटोसिस्ट ऑफ पाइला। पाइला आर्थ्रोपोडा ग्रुप का सदस्य है जो कि क्रस्टेशिया में आया जाता है। पाइला में एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाई जाती है जो कि पीडल गैंग्लियन के समीप एक ग्रूव में स्थित होती है। दो पीडल गैंग्लियन होते हैं जो अपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था उसमें दिखाई दे रहे थे कि पीडल गैंग्लियन उसके पास में ये स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये गोलाकार संरचना होती है जो क्रीम कलर की होती है और कनेक्टिव टिश्यू से घिरी हुई होती है। इसके डायग्राम में दिखा दे रहा है कि गोलाकार कैप्सूल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल सेल के द्वारा निर्मित होता है और इसमें सेरिब्रल गैंग्लियन की तंत्रिकाओं द्वारा ये आपस में जुड़ा रहता है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक स्टेटोकोर्निया है बीच में, उसके साइड में जो कैप्सूल है उसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं, उससे जो नर्व निकल रही है वो नर्व सेरिब्रल गैंग्लियन की से जुड़ी रहती है। गोलाकार कैप्सूल की कैविटी में एक द्रव या लिक्विड भरा रहता है जो कि स्टेटोकोर्निया में होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसलिए इन्हें स्टेटोकोर्निया कहते हैं। और जब ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है जो जंतु के लोकोमोशन के दौरान यदि जंतु थोड़ा बहुत तिरछा होता है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं वो सेंसरी सेल से टकरा करके इनमें स्टिम्यूलाई उत्पन्न करते हैं और स्टिम्यूलाई उत्पन्न होने से नर्व के द्वारा सेरिब्रल गैंग्लियन के पास में सूचना जाती है और ये सेरिब्रल गैंग्लियन जो सूचना जाती है उससे इसके जो लोकोमोशन है उसके बैलेंस को बनाने का काम करता है। तो ये संतुलन की क्रिया के नियमन का आदेश इसको मस्तिष्क द्वारा दिया जाता है। सेकंड है स्टेटोसिस्ट ऑफ पाइला यूनियो। यूनियो भी मोलस्का का एनिमल है जो बाइवाल्विया ग्रुप में आता है, इसको हम स्टेटोसिस्ट ऑफ लेमिलीडेंस भी कहते हैं। इसके स्टेटोसिस्ट में एक गोलाकार संरचना होती है जो पीडल गैंग्लियन के पास में पाई जाती है। इसका पीडल गैंग्लियन जो है अंदर की ओर स्थित होता है फुट की तरफ, वहाँ पे ये स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये भी एक कैविटी के अंदर होते हैं। इसका जो बाहर का लेयर होती है वो सेंसरी सेल्स की बनी होती है तथा इसके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं जिन्हें स्टेटोलिथ कहते हैं। पाइला में उसको स्टेटोसिस्ट कहते थे
यूनियों में इसको स्टेटोलिथ कहते हैं। ये जो है स्टेटोलिथ चारों ओर से कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से घिरा हुआ होता है। इसमें से निकलने वाली नर्व्स भी सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव से कनेक्ट रहती है और ये गमन के या लोकोमोशन के दौरान जो है संतुलन बनाए रखने का काम करती है। यूनियों में जो संवेदी अंग पाए जाते हैं उसमें स्टेटोसिस्ट होते हैं, एपिथेलियल सेंसरी सेल्स होती हैं और ऑस्पिरिडियम होता है। पाइला में ऑस्पिरिडियम, स्टेटोसिस्ट, टेंटिकल्स और आइज होती हैं। नीरिज में सिंपल आइज पाई जाएगी। प्रॉन में जो संवेदी अंग होते हैं वो कंपाउंड आइज होती है, स्टेटोसिस्ट होते हैं, टैक्टाइल ऑर्गन होते हैं और ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन होते हैं। तो इस तरह से स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। ओके।